हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स का जो मैच खेला जाएगा उसके बारे में। भाई डिटेल से हम लोग एकदम पूरा एनालिसिस करेंगे। कल हम आपको रिली मेरेडिट के बारे में बताए थे, ठीक है। आपने देखा होगा यार, खतरनाक, मतलब हमारा जो रिकॉर्ड था बहुत ही खतरनाक था। कल हम लोग ग्रैंड लीग थोड़ा सा मिस हो गए थे, थोड़ा सा। आज हम लोग को मिस नहीं करना है, ग्रैंड लीग विन करना है, इसके लिए वीडियो पूरा देखना। और स्मॉल लीग का टीम अगर टॉस होता है उसके बाद कोई भी चेंजेस होता है तो फाइनल टीम हम टेलीग्राम पे देते हैं। फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाना। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैच है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में, यह मैच खेला जाएगा बाबोन स्टेडियम मुंबई में। और आप सभी को बताते हैं यहां का वेदर एकदम क्लियर वेदर रहने वाला है। पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं, यहां पे बैट्समैन अच्छा खासा रन बनाते हैं। देखो टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पे 24 मैचेस हुआ है जिसमें कि फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग करने वाला इक्वल विन है। जो भी टॉस जीतेगा बैटिंग का फैसला लेगा, ठीक है। और दूसरा है स्कोरिंग पैटर्न, अगर आप देखोगे 170 से लेके 190 तक देखने को मिला है सबसे ज्यादा। देखो अगर आप लोग माई 11 सर्कल नहीं खेल रहे हो तो बहुत लेट कर रहे हो, क्योंकि माई 11 सर्कल पे कंपटीशन बहुत ही कम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, फर्स्ट कमेंट में लिंक दे दिया हूँ, माई 11 सर्कल अभी डाउनलोड कर लो। मैं टेलीग्राम पे 20 मिनट पहले माई 11 सर्कल का टीम देता हूँ, सोचो। और मैं खुद खेलता हूँ क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट बहुत है। देखो यहाँ पे आपको कैश बोनस मिलेगा, अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हो 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, चैंपियन के साथ खेल सकते हो, और स्मॉल लीग यहाँ पे खेलने का 5 गुना एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है। टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, विराट कोहली, मैक्सवेल, हर्षद पटेल, शिखर धवन, लियाम लिस्टन और खगिशोर अबाडा है। और आपको बता दूं, ये जो 6 प्लेयर है ना, आपकी हर ग्रैंड लीग टीम और स्मॉल लीग टीम में होना चाहिए। ये 6 के 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आरसीबी और पंजाब का मैच हुआ था, यहाँ पे पंजाब जीता था 5 विकेट से, जिसमें कि अगर आप बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो शिखर धवन ने अच्छा खासा रन बनाया था और फैफ डू प्लेसिस ने बहुत अच्छा रन बनाया था, 88 रन का पारी खेला था फैफ डू प्लेसिस ने। टोटल अगर हिट टू हिट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पंजाब जीता है 16 बार और 13 बार जीता है बैंगलोर। पॉइंट टेबल पे हम लोग बात करते हैं तो बैंगलोर अभी थोड़ा सा आगे है, किससे, पंजाब से, बहुत ही आगे है। पॉसिबल 11 की बात करते हैं, पॉसिबल 11 में फैफ डू प्लेसिस, विराट कोहली दोनों ओपनिंग करेंगे, फिर यहां पे आएंगे रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल आजकल बॉलिंग भी कर रहा है तो कैप्टन के लिए सबसे सेफ है। उसके बाद दिनेश कार्तिक, लैम्ब्रोर, वनिंदु हसरंगा, अहमद, सिराज, हेजलवुड और हर्षल पटेल। हेजलवुड इंपॉर्टेंट है बॉलिंग के बॉलर में, ठीक है। पंजाब की तरफ से शिखर धवन, ब्रेस्टो, आज ग्रैंड लीग में आप ब्रेस्टो को कैप्टन बना सकते हो, मयंक अग्रवाल, लियाम लिस्टन, यहाँ पे भानुका का नाम आता है, जितेश शर्मा, ऋषि धवन, राहुल चहर, संदीप शर्मा, अर्शदीप सिंह और खगिशोर रबाडा। रबाडा इंपॉर्टेंट हो सकता है बॉलर, बॉलर में कैप्टन बना सकते हो। चलिए स्टैट्स पे बात करते हैं, सबसे पहले पंजाब के बारे में समझेंगे। पंजाब के प्लेयर के बारे में सबसे पहले जो नाम आता है शिखर धवन। शिखर धवन का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना, लास्ट मैच भले 12 रन का पारी खेला था, ठीक है, लेकिन यहां पे 62 रन, फिर यहां पे 88 रन, 35 रन, 33 रन और 43 रन, अच्छा पारी खेला। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 205 मैच में 6172 रन बनाया है, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा हो गया है, फिर भी सोचो इतने गर्मी में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। शिखर धवन को आज कैप्टन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, मैं आपको बता दूं, शिखर धवन कैप्टन के लायक नहीं है आज के मैच में, मैं कैप्टन नहीं बना रहा हूं, ठीक है। इसको अपने स्मॉल लीग टीम में रख रहा हूं, ग्रैंड लीग में भी रख रहा हूं। जॉनी ब्रेस्टो आज ग्रैंड लीग में कैप्टन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप अगर चाहो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, ब्रेस्टो को आज कैप्टन बना सकते हो। लास्ट मैच में 56 रन का पारी खेला था, बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग किया था, 36 मैच में 1174 रन बनाया और राइट हैंड बैट्समैन है। ब्रेस्टो का अगर आप देखोगे रिकॉर्ड, ठीक है, इस आरसीबी के अगेंस्ट में 3 मैच खेला, 187 रन बनाया, 3 मैच में 187, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन है ब्रेस्टो। मयंक अग्रवाल रिस्की प्लेयर है, आप लोग चाहो तो मेगा कॉन्टेस्ट में ट्राई कर सकते हो, मैंने मयंक अग्रवाल की जगह राहुल चहर को रखने का कोशिश किया है, ये दोनों में से किसी एक को आप अपने टीम में रख सकते हो। राइट हैंड बैट्समैन ने 111 मैच में 2300 से ज्यादा रन बनाया मयंक अग्रवाल ने, और आरसीबी के अगेंस्ट में 11 मैच खेला है, 291 रन बनाया। लियाम लिस्टन
अच्छा ऑप्शन है, बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, 20 मैच में 3 विकेट लिया है, विकेट ज्यादा नहीं लिया लेकिन 426 रन बनाया, लास्ट मैच 22 रन बनाया था, उसके पहले 30 रन बना के 1 विकेट लिया, विकेट ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी टीम में वाइस कप्तान बनाया है लियाम लिस्टन को। भानुका के बारे में हमको बता दूं, बैटिंग करने आएंगे लेकिन थोड़ा सा बैटिंग नीचे है, तो इसलिए मैं अपनी टीम में प्रिफर नहीं किया हूं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अगर शिखर धवन नहीं चलता है तो भानुका चलेगा, ठीक है, शिखर धवन को अगर फ्लॉप करते हो तो फिर भानुका को अपनी टीम में रख लेना, अगर भानुका को अपनी टीम में नहीं रखते हो तो शिखर धवन को रख लेना। जितेश शर्मा का बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, लास्ट मैच भले 38 रन बनाया था लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, मैं इसको अपनी टीम में नहीं प्रिफर करूंगा। ऋषि धवन लास्ट मैच 1 विकेट लिया था, अगर क्रेडिट का प्रॉब्लम होता है तो ऋषि धवन को ट्राई कर सकते हो, वरना मैं अपनी टीम में नहीं ट्राई कर रहा हूं। रिकॉर्ड आपके सामने है, 30 मैच में 22 विकेट लिया है, जो कि राइट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं। खगिशोर अबाडा राइट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं और हर मैच में विकेट लेके जा रहे हैं, 60 मैच में 94 विकेट लिया है और आरसीबी के अगेंस्ट में 6 मैच खेला है, 13 विकेट लिया। अगर आप पंजाब के कोई बॉलर को कैप्टन बनाना चाहते हो तो आप रबाडा को बना सकते हो। राहुल चहर को मैं अपने स्मॉल लीग टीम में रखा हूं, बहुत कम लोग ट्राई किया, या तो राहुल चहर मयंक अग्रवाल, दोनों में से कोई एक को रखना, ऑप्शन है आपके पास। मयंक अग्रवाल आपको ओपनिंग करते हुए दिखेगा और आपको ग्रैंड लीग में मयंक अग्रवाल तो होना चाहिए आपकी टीम में। 54 मैच में 54 विकेट लिया है और यहां पे देखोगे आरसीबी के अगेंस्ट में 6 मैच खेला है, 4 विकेट लिया है। संदीप शर्मा 16 मैच में 23 विकेट लिया, आरसीबी के अगेंस्ट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और रिस्की प्लेयर में संदीप शर्मा भी है। मैं बोलता हूं अगर आप 4 मेंबर टीम खेल रहे हो ना हिट फोर, तो संदीप शर्मा को ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके। संदीप शर्मा को राहुल चहर की जगह ट्राई कर सकते हो, और ज्यादा रिस्की हो जाएगा। 104 मैच में 114 विकेट लिया, राइट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं, डेप्थ में भी बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं। अजदीप सिंह लास्ट में 2 विकेट लिया था, अभी फिलहाल विकेट लेके जा रहा है, मेरे अनुसार अजदीप सिंह फ्लॉप रहेगा, मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूं। 34 मैच में 37 विकेट लिया। प्लेयर में बहुत सारा बेंच प्लेयर है जिसमें से नाथन इलिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि राइट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं। सबसे पहले फैब डु प्लेसिस, और आपने देखा होगा 88 रन का पारी खेला था, किसके अगेंस्ट में, पंजाब के अगेंस्ट में, बहुत ही अच्छा पारी खेला था, लास्ट में 73 रन का पारी खेल के आ रहा है और बैट्समैन का पीछे भाई, यहां पे बैट्समैन चलेगा तो बैट्समैन को अपनी टीम में ट्राई करना है, रखना है, ठीक है। तो फैब डु प्लेसिस 112 मैच में 3414 रन बनाया, अगर आप आरसीबी को फेवरेट मानते हो तो फैब डु प्लेसिस को आप कैप्टन बना सकते हो। वैसे मैंने अपनी टीम में मैक्सवेल को कैप्टन बनाया स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में फैब डु प्लेसिस भी अच्छा ऑप्शन है, 12 मैच में 536 रन बनाया है। यहां पे देखो स्ट्रगल वाला कॉलम मैं बता नहीं रहा हूं लेकिन आपके सामने लिख दे रहा हूं, ये वाला कॉलम है स्ट्रगल, कौन सा बॉलर राइट आर्म मिड फास्ट बॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रगल करते हैं। विराट कोहली लास्ट मैच फ्लॉप रहा था, क्या फिर से फ्लॉप रहेगा विराट कोहली? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, विराट कोहली भी रन बनाएगा, 30 से प्लस रन बनाएगा, ठीक है। 219 मैच में 6499 रन बनाया, लास्ट में फ्लॉप, यहां पे 30 रन 58 रन का पारी खेला था और पंजाब के अगेंस्ट में 26 मैच खेला है, 722 रन बनाया, इस वेन्यू पे 2 मैच खेला है और 58 रन बनाया, 30 रन मैं बता रहा हूं विराट कोहली का 30 रन। रजत पाटीदार 48 रन, अभी बहुत अच्छा ऑप्शन है रजत पाटीदार, अगर आप चाहो ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो, आरसीबी को फेवरेट मानते हो तो रजत पाटीदार को अपनी टीम में रख लेना, क्योंकि हर मैच में अच्छा करते हुए दिखाई दे रहा है, 8 मैच में 198 रन बनाया और लेफ्ट आर्म मिड फास्ट बॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रगल करता है, ये भी थोड़ा सा रिस्की है। ग्लेन मैक्सवेल टीम के कैप्टन है, क्यों कैप्टन है, लास्ट मैच में 33 रन और 1 विकेट, और देखो विराट कोहली या फैब डु प्लेसिस ओपनिंग करेंगे, दोनों अच्छा पारी खेलेगा, फिर रजत पाटीदार आएंगे वो जल्दी आउट हो जाएगा, फिर ग्लेन मैक्सवेल आएंगे 15 ओवर पे और ग्लेन मैक्सवेल एक अच्छा पारी खेलेगा, साथ में बॉलिंग से भी आपको पॉइंट देगा, इसलिए सेफ कैप्टन मैक्सवेल है, सेफ कैप्टन। 106 मैच खेला है, 26 विकेट भी लिया है, 2211 रन भी बनाया, तो मैक्सवेल अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, और इस वेन्यू पे 2 मैच खेला है और 52 रन बनाया। दिनेश कार्तिक को मैं अपने टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूं, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, प्लेयर अच्छा है, हर मैच में अच्छा कर रहा है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। महिपाल लैमरोर को भी मैं अपने टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप रिकॉर्ड देख लेना, महिपाल लैमरोर का रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार का है, 14 मैच में 1 विकेट लिया, 239 रन बनाया। मनिंदु हसरंगा को मैं अपने टीम में ट्राई कर रहा हूं, लास्ट मैच 5 विकेट लिया था, भाई ये जब विकेट लेता है ना गुच्छे में विकेट लेता है, 96 मैच में 1000 से ज्यादा रन बनाया है और इसको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। आरसीबी के कोई ऑलराउंडर को अगर आप कैप्टन बनाना चाहते हो, मतलब ग्रैंड लीग में, तो वनिंदु हसरंगा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है।
इस वेन्यू पे एक मैच खेला है, दो विकेट लिया है और पंजाब के अगेंस्ट में एक मैच खेला है, एक विकेट लिया है। शहबाज अहमद को मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सारे प्लेयर को तो आप अपनी टीम में रख नहीं पाओगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। जॉस हेजलवुड को स्मॉल लीग टीम में ट्राई कर रहा हूं, लास्ट में दो विकेट लिया था, और राइट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं, डेप्थ में भी बॉलिंग करते हैं और हर मैच में विकेट लेके जा रहे हैं। इसके बॉल में पेस भी देखने को मिल रहा है और मतलब लाइन टू लेंथ बॉलिंग करता है। 19 मैच में 24 विकेट लिया। मोहम्मद सिराज डिफरेंशियल पिक है जीएल के लिए। अगर आरसीबी को फेवरेट मानते हो तो मोहम्मद सिराज दो विकेट, अगर आरसीबी को फेवरेट मानते हो, अगर आज विराट कोहली अच्छा चला फैब चला तो सिराज दो विकेट लेगा, पावर प्ले में बॉलिंग करेगा। भले तीन मैचों से कंटिन्यू फ्लॉप चल रहा है, इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन देख लो यहाँ रिकॉर्ड, पंजाब के अगेंस्ट में 6 मैच खेला है, 9 विकेट लिया, 2 विकेट में आपको बता दिया आपको। अगर आप चाहो तो सिराज को ट्राई कर सकते हो, 62 मैच में 56 विकेट लिया, राइट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करता है। हर्षल पटेल को तो खैर रखेंगे, ये पर्पल पटेल, लेकिन आप हर्षल पटेल की जगह रिस्क लेना चाहते हो सिराज पे ले सकते हो। 75 मैच में 92 विकेट लिया है और लास्ट मैच एक विकेट, 3 विकेट, पंजाब के अगेंस्ट में 3 मैच खेला 4 विकेट और इस वेन्यू पे 2 मैच खेला 1 विकेट। बेंच में बहुत सारे बेंच प्लेयर है, सबका रिकॉर्ड में लिख दिया हूं। जैसन बेंटॉप लेफ्ट आर्म लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ठीक है, सॉरी जैसन बेंटॉप लेफ्ट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं। और यहां पे देखोगे तो आप चमा भी लेफ्ट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं और यहां पे आकाशदीप भी अच्छा ऑप्शन, डेविड विले भी अगर आप देखोगे तो लेफ्ट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्लेयर बैटल पे, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्लेयर बैटल पे। प्लेयर बैटल में शिखर धवन को मैक्सवेल ने 2 बार आउट किया, हर्षल पटेल ने 2 बार आउट किया है, जॉनी ब्रेस्टो को हसरंगा ने 2 बार आउट किया है। फैब डु प्लेसिस जिसने कि पंजाब के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे फैब डु प्लेसिस ने अच्छा रन बनाया था 88 रन, जिसको कि रबाडा ने 3 बार आउट किया, 2 बार संदीप शर्मा ने, विराट कोहली को संदीप शर्मा ने 7 बार आउट किया। विराट कोहली के खिलाफ संदीप शर्मा का रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है और ओपनिंग पावर प्ले में संदीप शर्मा बॉलिंग कर सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए संदीप शर्मा, मैं इसलिए बोल रहा हूं संदीप शर्मा को आप ट्राई कर सकते हो, राहुल चहर की जगह ले सकते हो अपनी टीम में, ठीक है। और रबाडा ने 3 बार आउट किया, दिनेश कार्तिक को राहुल चहर ने 2 बार आउट किया, संदीप शर्मा ने 2 बार आउट किया, रबाडा ने 3 बार आउट किया, और ग्लेन मैक्सवेल को रबाडा ने 3 बार आउट किया, राहुल चहर ने 2 बार आउट किया। चलिए अब हम लोग फंटेसी टीम क्रिएट करते हैं। मैंने एक टीम बना के रखा है, ठीक है, जिसमें विकेट कीपर में दिनेश कार्तिक और ब्रेस्टो, दो ऑप्शन है, मैं अपनी टीम में ब्रेस्टो को रखा हूं। शिखर धवन, विराट कोहली, फैब डु प्लेसिस तीनों इंपॉर्टेंट और ओपनर बैट्समैन मेरी टीम में रहेगा। ग्लेन मैक्सवेल, लियाम ल्यूस्टन और हसरंगा, ये तीनों बेस्ट ऑलराउंडर, और बॉलिंग में राहुल चहर, रबाडा, हर्षल पटेल और हेजलवुड। देखो यहां पे आप अगर आप विराट कोहली को आज फ्लॉप करते हो तो संदीप शर्मा ले सकते हो, संदीप शर्मा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है संदीप शर्मा। संदीप शर्मा कैप्टन मैंने बनाया मैक्सवेल, क्योंकि बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा, बैटिंग आने का फुल चांस है, क्योंकि अगर रजत पदीदार आज नहीं चला तो मैक्सवेल का जल्दी बैटिंग आ जाएगा। और लियाम ल्यूस्टन को वाइस कप्तान बनाया हूं, आप वाइस कप्तान किसी को भी बना सकते हो, फैब को बना सकते हो, शिखर धवन को बना सकते हो, ब्रेस्टो को बना सकते हो, तीनों में से कोई भी ऑप्शन है आपके लिए वाइस कप्तान, ठीक है। अगर इनमें कोई भी बदलाव देखने को मिलेगा तो फाइनल टीम हम टेलीग्राम पे देते हैं, फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। साथ में माय 11 सर्कल पे जरूर खेलना, क्योंकि यहां पे कंपटीशन बहुत कम होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डाउनलोड करो और खेलो, मैं 20 मिनट पहले टेलीग्राम पे टीम देता हूं। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।